नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यूनिक क्रिएटर में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टॉपिक की। जो हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में वो है व्हाई बर्ड्स डू नॉट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स। मतलब जो पक्षी होते हैं या पंछी होते हैं, जब वो तारों पर बैठते हैं तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। साथ ही दोस्तों, हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति तार को पकड़ ले तो क्या उसे करंट लगेगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं पंछी जब तारों पर बैठते हैं तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। तो इससे पहले दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है करंट को लगने के लिए या इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए। सो दोस्तों, दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमें करंट लगना है तो उनका फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कि सर्किट शुड बी कंप्लीट और क्लोज्ड, मतलब कि जो हमारा विद्युत परिपथ है उसका बंद होना ज़रूरी है। अगर हमारा सर्किट ओपन होगा तो करंट नहीं लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में विभवांतर कहते हैं। अब दोस्तों, इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सर्किट है, जो हमारा विद्युत परिपथ है, वो बंद है या सर्किट क्लोज है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो सर्किट कंप्लीट होने से जो हमारा बल्ब है, ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये सर्किट ओपन होता है तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जो ये हमारा पक्षी है, जो ये भाई साहब हैं, ये हमारे एक ही लाइन पे बैठे हैं। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम इस वायर को फेज वायर माने और इसे अगर हम न्यूट्रल वायर मानते हैं दोस्तों, तो जो पक्षी है कोई भी, वो सिर्फ एक ही लाइन पे बैठा है, सिर्फ फेज वायर पे ही है, या न्यूट्रल वायर पे अगर माने तो किसी एक वायर पे है, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और सर्किट के कंप्लीट होने से उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर कोई पर्सन इस वायर को टच करता है तो उसके जो पाँव हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। तो जब उसके पाँव ग्राउंड लेवल पे होंगे दोस्तों, तो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे रीजन की, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। सो दोस्तों, इसे हम बहुत ही एक इजी वे में समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि आप फिगर वन में देख रहे हैं, जो कि वाटर लेवल है दो कंटेनर का, दो डिब्बों में जो पानी है वो अलग अलग है। सो दोस्तों, पानी फ्लो करेगा फ्रॉम हाई साइड टू लो साइड, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से हमारा पानी फ्लो करेगा जहाँ पे पानी कम है। सो दोस्तों, लेकिन अगर हम दूसरी फिगर की बात करें तो दोनों जो बर्तन हैं वहाँ पे पानी का लेवल सेम है। सो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पानी हमारा कहीं भी फ्लो नहीं करेगा। सो दोस्तों, यही पोटेंशियल डिफरेंस में भी बात काम में आती है कि अगर हमारे दो कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज का लेवल है, अगर वोल्टेज लेवल सेम है तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए जो दो पॉइंट हैं उनमें वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, अगर आप इस फिगर में देखें तो जो हमारे पक्षी होते हैं वो एक वायर के ऊपर बैठे होते हैं, और अगर एक वायर के अगर हम मान के चलें कि वोल्टेज जो है वो हमारी 220 वोल्ट है या कोई भी वोल्टेज है, तो दोस्तों ऐसे में उनके दोनों पांव एक ही लेवल पे होते हैं। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज का लेवल है वो एक ही है, मतलब 220 वोल्ट पे ही उनके दोनों पांव जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों उन्हें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो जब भी कोई पक्षी अगर उड़ने की कोशिश करता है या वो उड़ता है, अगर वो किसी दूसरी वायर को टच नहीं करेगा तब तो वो सेफली उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर जब वो उड़ते टाइम अगर उसके पंख किसी दूसरी वायर से टच हो जाते हैं, सो ऐसे में दोस्तों एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो बर्ड है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो डेड हो जाता है। और वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे तो जो बर्ड जो सेम लाइन पे बैठा है, सेम वायर के ऊपर बैठा है, वो हमारा बर्ड सेफ रहता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति तार को छुए तो क्या उसे करंट लगेगा
या नहीं। सो अभी तक दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारा वोल्टेज जो वायर है, जो कोई भी वोल्टेज की वायर है, अगर उस वायर को वो पकड़ता है और उस वायर पे वो अगर हैंग हो जाता है दोस्तों, मतलब उस वायर पे अगर वो लटक जाता है, तब तक उसे करंट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर वो दूसरी वायर के साथ कनेक्ट हो गया या वो ग्राउंड लेवल के साथ अगर उसके पांव जो कनेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और उसका वही हाल होगा जो कि बर्ड का हुआ था। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो